हेलो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कि आवेश का जो मात्रक, ऐसे ही मात्रक जो कूलाम होता है, वो कूलाम बहुत बड़ा मात्रक है। तो हम ये कैसे जानेंगे कि बहुत बड़ा मात्रक है? सुनने में तो एक कूलाम लगता है, बहुत आसान लगता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये दो न्यूमेरिकल से मैं प्रूव करके दिखाऊँगा और आप जान भी जाएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आवेश छोटा मोटा मात्रक नहीं है, बहुत बड़ा मात्रक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, जिस क्वेश्चन से हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है, कितने इलेक्ट्रॉनों से बना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बना है। चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, पहला देखिए, सबसे पहले आवेश की मात्रा क्या है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि आवेश का मात्रा दिया हुआ है एक कूलाम। ठीक है, और हम लोगों को निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन से एक कूलाम आवेश बना है। तो हम लोग सूत्र यूज करेंगे क्वांटमीकरण का, लिखेंगे क्वांटमीकरण से। ठीक है, तो क्वांटमीकरण से क्या होता है कि फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ई। तो इस फॉर्मूले से हम लोग एन बराबर लिखेंगे क्यू बाय ई, और हम लोग ई का जो मान है, ई कांस्टेंट मान है, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर समान आवेश होता है, और वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो हम लोग यही करने वाले हैं, एक आवेश जो क्यू का मान यहाँ एक कूलाम है रख दिए, और ई का मान है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, कट गया। तो एन बराबर होगा, माइनस वाला अगर टर्म ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, और नीचे होगा 1.6। ठीक है, अब इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से उड़ाते हैं, रिमूव करते हैं, तो 10 ऊपर चला जाता है, तो हो जाता है कितना, 10 पे पावर, यहाँ एक और जीरो इसको दे करके, एक जीरो 19 से एक जीरो हटाए तो 18 हुआ, और नीचे इसको रख दिए 16, 4 से घटाएंगे, 4 से 25 बार में 25 और 4 × 10⁻¹⁸। तो इसको अगर भाग देते हैं तो 6.25 आता है, और × 10⁻¹⁸ ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी एक कूलाम आवेश, इससे क्या पता चलता है हम लोगों को कि एक कूलाम आवेश जो है कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन से बना है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि अर्थात एक कूलाम आवेश 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स से बना है। ठीक है, ये पहला है। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा बता देते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी, आप लोगों के समय को बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस पता चल जाएगा कि आवेश का जो ऐसे ही मात्रक है कूलाम, ये कितना बड़ा मात्रक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन कितने क्या है, प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है 10⁻¹० इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इंक भरना होगा, देखिए अब आगे 10⁻¹० इलेक्ट्रॉन्स, एक सेकेंड में कह रहा है प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं पेंट से, 10⁻¹० इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग निकालेंगे कि एक सेकेंड में उत्सर्जित मतलब होता है निकलने वाला, तो उत्सर्जित आवेश का फॉर्मूला क्यू बराबर होगा एन ई, एन का मान है 10⁻¹० और ई का मान हम लोग जानते हैं कि 1.6 × 10⁻¹⁹, ये कूलाम में क्योंकि आवेश है। अब यहाँ से अगर हम लोग ले 1.6, 19 में 10 चला जाएगा तो हो जाएगा -9 कूलाम। इतना आवेश जो है वो एक सेकेंड में प्रिंट से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम आवेश निकलने में लिख सकते हैं या उत्सर्जित होने में, निकलने में लगा समय
एक सेकेंड, तो इसलिए हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एक कूलम आवेश निकलने में लगा समय, तो 1/1.6 × 10⁻¹⁹। ये ऊपर चला जाएगा तो -9 हो जाएगा, +9 और नीचे 1.6, पॉइंट हटा देंगे 10, तो यहाँ जैसे ही आगे रखते हैं 100 तो 10 पे पावर होता है 8, नीचे होगा 16, 4 से कटा देंगे, 4 से 25 बार में, तो 25 यानी 25/4 × 10⁻¹⁸। तो इसको अगर हम भाग देंगे तो वही आएगा, बस पावर चेंज है इसका 6.25। अभी हम लोग भाग पहले वाले में दिए थे क्वेश्चन में इतना सेकेंड, अब इतने सेकेंड को अगर हम वर्ष में बदले तो क्या आएगा, देखिए वर्ष में, तो 6.25 × 10⁻¹⁸ बाय, हम लोग जानते हैं एक वर्ष में 365 दिन होता है और एक दिन में 24 घंटा और एक घंटा में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड, तो ये टोटल हम लोग सेकेंड में था तो सेकेंड में लाए, वही सेकेंड में बदलने के लिए सेकेंड इतना सेकेंड से भाग देंगे। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ये जो है सॉल्व करके, ठीक है, इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर बताएंगे हमको कमेंट सेक्शन में, आपको आंसर बताना है इसका, ठीक है, बहुत आसान है, सॉल्व नहीं होगा तो इसके जस्ट आगे वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो इसमें आप लोगों को मैं सॉल्व करने इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को, मतलब आप लोगों को रियल में पता चले कि ये कितना वर्ष लगता है एक कूलम आवेश बाहर निकलने में, ठीक है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताएं, ठीक है, और इस आंसर को बताइए और फिर देखिए कि प्रूफ होता है कि नहीं, कितना वर्ष लगता है। आप जब आंसर निकालेंगे तो आप लोगों को आश्चर्य होगा कि अगर किसी पिंड से 10⁻¹० इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है तो 10⁻¹० इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बाहर निकलता है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस पिंड से अगर इलेक्ट्रॉन एक कूलम आवेश निकलेगा तो कितना समय लगेगा, ज़रूर कॉमेंट में लिख करके बताइए, मैं आपके कॉमेंट का वेट करूँगा, ठीक है।